अब वैसे तो ये सवाल बहुत ही कॉमन है कि क्या आपको म्यूजिक पसंद है, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि आज का वीडियो इस सवाल पर डिपेंड करता है। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, तो दूसरा सवाल, क्या आप म्यूजिक के लिए पैशनेट हैं? क्या आपको ट्रैक्स की मिक्सिंग पर क्रेजी होकर झूमते गाते क्राउड को देखना बहुत अच्छा लगता है? क्या एक डीजे बनने का थॉट आपको एक्साइटेड कर देता है? और क्या आप इंडिया के टॉप डीजेस न्यूक्लिया, डीजे एनवाई के और डीजे शान के फॉलोअर्स हैं? अगर हाँ, तो डीजे बनने के आपके चांसेस काफी ब्राइट है क्योंकि आप म्यूजिक को एक डीजे की तरह एंजॉय करते हैं और इसके लिए फुली एक्साइटेड और डेडिकेटेड भी हैं। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि डीजे का काम क्या होता है, उसे कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है और इस करियर का स्कोप और प्रोग्रेस कैसे होती है, तो आज का ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है क्योंकि आज हम आपको डीजे बनने से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक सही समझा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डीजे के बारे में कुछ बेसिक बट इम्पोर्टेंट बातें। डीजे यानी डिस्क जॉकी इवेंट्स के लिए म्यूजिक क्रिएट करते हैं, जिसके लिए बहुत से जॉनराज और ट्रैक्स को कंबाइन किया जाता है। इसके लिए कई इक्विपमेंट्स जैसे कि टर्न टेबल्स, मिक्सर्स, ग्राफिक इक्वलाइजर्स और टेप डेक्स का यूज किया जाता है। जनरली डीजे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो क्लब्स या पार्टीज में प्री रिकॉर्डेड डिस्क यानी म्यूजिक प्ले करते हैं, लेकिन इनका काम इतना भी आसान नहीं होता है। भले ही क्राउड को म्यूजिक की बीट्स पर झूमते रहने के लिए एनकरेज करना कोई आसान काम हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो एक तरह का यूनिक टैलेंट है। डीजे के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे क्लब डीजे, रेजिडेंट डीजे, मोबाइल डीजे, रेडियो डीजे और परफॉर्मेंस डीजे एक्सेट्रा। यानी अपने इंटरेस्ट के बेस पर इनमें से बेस्ट डीजे टाइप में आप अपना नाम बना सकते हैं। और अब जानते हैं कि एक डीजे बनने के लिए आपके पास कौन सा स्किल सेट होना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास अच्छे म्यूजिक का सेंस होना चाहिए। आपको इक्वलाइजेशन, बीट मैचिंग, जगलिंग और ऑडियो मिक्सिंग से फेमिलियर होना चाहिए। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स एक्सीलेंट होनी चाहिए। आप में राइट टाइम पर राइट ट्रैक प्ले करने का सेंस भी होना जरूरी है। आपके अंदर म्यूजिक मिक्सिंग का क्रिएटिव टैलेंट होना चाहिए और लोगों को एंटरटेन और एंगेज रखने के लिए स्टेमिना, एनर्जी और एंथुजियाज्म होना भी तो जरूरी है ना? तो इन सारी स्किल्स के बारे में जानने के बाद डीजे बनने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है वो भी जान लेते हैं। डीजे बनने के लिए सबसे पहले आपका म्यूजिक के लिए ऐसा पैशन और ऐसा म्यूजिक सेंस होना जरूरी है जो आपको कंपटीशन वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव बना सके। इसके अलावा म्यूजिक के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की नॉलेज होना भी जरूरी है। डीजे की पोजीशन पर काम करने के लिए कई जगह बैचलर डिग्री भी रिक्वायर्ड होती है, जबकि कई जगह एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसे में एफएम रेडियो चैनल्स में इंटर्न्स के रूप में एक्सपीरियंस लेना भी आपके लिए मददगार हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। और जर्नलिज्म या कम्युनिकेशंस में बैचलर डिग्री रखने वाले कैंडिडेट्स को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। बाकी तो आपका टैलेंट ही आपको डिजायर्ड पोजीशन तक पहुंचा सकेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आसानी से एक पॉपुलर डीजे का खिताब मिल सके, तो इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखने के साथ साथ आप इन स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप है प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले डीजेइंग क्या है और डीजे का रियल वर्क क्या होता है इसे समझिए। और अगर आप एक अच्छा डीजे बनना चाहते हैं तो मिक्सिंग टेक्निक्स को अच्छी तरह समझिए। सॉन्ग्स को बीट मैचिंग और हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर जैसे ईक्यू का यूज करके मिक्स करने का ट्राई करें। डीजे सॉफ्टवेयर्स का यूज करना, अपनी प्लेलिस्ट बनाना, बीट मैचिंग टेक्निक्स, मिक्सिंग टेक्निक्स, बार काउंटिंग जैसी बेसिक डीजे स्किल्स को सीखिए। दूसरा स्टेप है अपने लिए बेस्ट डीजे टाइप चूज कीजिए। डीजेइंग का बेसिक लर्न करने के साथ साथ आपको अपने लिए राइट डीजे टाइप भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि डीजे इंडस्ट्री में कई टाइप्स के डीजे होते हैं जिनमें काफी डिफरेंस होता है। इसलिए डिसाइड कीजिए कि आप क्लब डीजे बनना चाहते हैं या वेडिंग्स एंड कॉर्पोरेट डीजे बनना चाहते हैं, या फिर आप रेडियो डीजे या इवेंट डीजे बनने का इरादा रखते हैं। इस बारे में क्लियर चॉइस बनाइए और फिर उसी डीजे टाइप को आगे लर्न करिए। तीसरा स्टेप आता है अपना म्यूजिक प्रोड्यूस कीजिए। आज के टाइम में अगर इस इंडस्ट्री में आप दूर तक जाना चाहते हैं तो डीजे होने के साथ साथ आपका म्यूजिक प्रोड्यूसर होना भी जरूरी है। ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन एक पॉपुलर और एस्टेब्लिश्ड डीजे बनने के लिए आपको म्यूजिक प्रोडक्शन भी जरूर से सीखना चाहिए। अगर आपका गुड म्यूजिक सेंस होगा तो म्यूजिक क्रिएशन में यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी आपकी काफी हेल्प कर देंगे। चौथा स्टेप है डीजे कोर्स कीजिए। डीजे बनने के लिए कोई फुल टाइम कोर्स तो नहीं है, लेकिन कई ट्रेनिंग सेंटर्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। आप चाहे तो अपने स्किल्स और नॉलेज को एनहेंस करने के लिए ऐसा कोर्स कर सकते हैं। और ऐसे कुछ कोर्सेज हैं डीजे फाउंडेशन कोर्स, सर्टिफाइड डीजे कोर्स, डिप्लोमा डीजे कोर्स, प्रोफेशनल डीजे कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स, डिप्लोमा इन ऑडियो इंजीनियरिंग एंड डीजेइंग एक्सेट्रा। इन कोर्सेज में जनरली ये सारे कंटेंट कवर किए जाते हैं।
म्यूजिक थ्योरी, बीट मैचिंग, कंसोल्स एंड इक्विपमेंट, डिजिटल सॉफ्टवेयर, इवेंट मैनेजमेंट, मिक्सिंग, मिक्स प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग, म्यूजिक जॉनरा, मार्केटिंग। और ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो डीजे कोर्स प्रोवाइड कराते हैं उनके नाम हैं इलेक्ट्रॉनिक एकेडमी दिल्ली, आई लव म्यूजिक एकेडमी गुरुग्राम, लॉ स्टोरीज एकेडमी मुंबई, जेजी जो दिल्ली, स्पिंग गुरुज एकेडमी न्यू दिल्ली, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा, स्क्रैच लैब डीजे एकेडमी चेन्नई, रामोजी क्रियन यूनिवर्स हैदराबाद और ग्लोबल डीजे एकेडमी मुंबई। बहुत से इंस्टीट्यूट 2 से 3 महीने के कोर्सेज ऑफर करते हैं। ये ड्यूरेशन 6 महीने भी हो सकती है और इन कोर्सेज की कॉस्ट 20 से 40 हजार रुपए तक हो सकती है। और अब आता है आगे 5वां स्टेप जो है मार्केटिंग। डीजे कोर्स करने के बाद आप एक प्रोफेशनल के तौर पर अपनी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आर्टिस्ट नेम और लोगो क्रिएट करना चाहिए और सेम यूजर नेम से सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने चाहिए। अपना इम्प्रेसिव बायो तैयार करना चाहिए और EPK यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट भी तैयार करनी चाहिए। आपको अदर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और डीजेस के साथ कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए और अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहिए। यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स पोस्ट करके भी आप फेमस हो सकते हैं। और इस तरीके से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत आसानी से एक बढ़िया डीजे बन सकते हैं। और अगर आपके एफर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे तो आप एक पॉपुलर फेमस डीजे भी बन सकते हैं। इसलिए कोशिश तो बेस्ट की ही कीजिएगा, यानी ऐसा डीजे बनने की जिसका नाम सुनकर ही क्राउड झूमने लग जाए। अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि डीजे बनने के बाद आपको मिलने वाली एक्सपेक्टेड सैलरी 20 से 40 हजार रुपए पर इवेंट हो सकती है। ये अर्निंग अमाउंट डीजे की पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन के अकॉर्डिंग बहुत वेरी भी करता है। और हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा कम अमाउंट ऑफर किया जाए, क्योंकि आप इस प्रोफेशन में नए होंगे, इसलिए शुरुआत में थोड़े स्ट्रगल और एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए तैयार भी रहिएगा, क्योंकि नाम कमाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ढेर सारा प्यार हमें शेयर कीजिए। आगे किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे लिख भेजिए। और जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आगे भी ऐसी अमेजिंग जानकारियों के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।